प्रणाम आयो, प्रणाम कर तो प्रणाम गोड लागत हो। हाँ कहाँ बेचा थी सायो? कहाँ कहे निके? पिछारू कांडा। अच्छा पिछारू कांडा है ने, और इके भी बेचा थी सी दतुन के। तो आयो एक तो दतुन दे दे मुके, जरूरत तो न खे लेकिन एक तो दतुन देबे ने। और कितना करे के पिछारू कांडा? ये 50 करे। तो एक तो इखो दे दे आयो मैं खाबू न दे। देखिए आप ऐसे बुजुर्ग को बहुत उम्र है, मेरे को तो अंदाज भी नहीं लगा सकता है, 90 तो पार हो गया। यहाँ मेहनत कर रहे हैं, ये क्वालिटी वाली बात है, ज़बरदस्त। बहुत तारीफ, मैं सलाम करता हूँ हमारी माता जी से। और भाई दाम इनके सामने क्या रेट है, कुछ नहीं है, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत है। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारे जसपुर की जो खूबसूरती है ना, यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं उनको आगे बढ़ाने में थोड़ा सा मदद कीजिए ना। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं क्या जसपुर के लिए छोटा सा अंश मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। मैं चाहता हूँ आप भी इसमें सहभागी बने और मदद करें। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सब्सक्राइब नहीं करें है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सूरज चौरसा की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। हमारी माता जी जो है दादी लगेंगे मेरे को लग रहा है, केरे से आते हैं, केरे किनकेल वहाँ से। और एक खेजा हम लेते बोले कि बेटा दो खेजा ले, तो मैं बोलो माए दे ही दे आयो, तो दो खेजा हम ले रहे हैं। और ये लगौनी दे रही है, देखिए हमारे जसपुर की एक खासियत है, खूबी है। आपको सिर्फ साहूकार लोग नहीं देंगे, उनके पास पैसा ज़्यादा है, धनी लोग हैं, लेकिन हमारे गरीब लोग में दिल बहुत बड़ा होता है, वो दे दिए। चलिए थैंक यू। ये देखिए बाजार है, ये जसपुर का ग्रामीण अंचल का बाजार, बहुत बड़ा एरिया है, 4 एकड़ से कम नहीं होगा, 4 एकड़ में लगता है कम से कम बाजार। बहुत भीड़ होता है, पैर रखने का जगह नहीं मिलता है। और एक से एक जसपुर में ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो यहाँ आपको नहीं मिले, सब चीज़ मिलता है। लोग आश्चर्य करते हैं, झारखंड बिहार से आते हैं और बोलते हैं कि बाप रे बाप इतना बड़ा बाज़ार, आश्चर्यचकित कर देने वाला, हर चीज़ आपको मिलेगा यहाँ। देखिए इधर भी है पूरा बाज़ार, अभी लगना चालू हुआ है, मैं बता रहा हूँ। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं ना, सभी जगह से आते हैं। ये पूरा देखिए, पूरा देखिए, पूरा बाज़ार आ गया। ये भी देखिए इधर पूरा गली है, इधर पूरा लगता है पूरा भीड़। ये देखिए ये है दोस्तों, इसको जोकी हम लोग बोलते हैं, सूती भी बोलते हैं, मुनगा भी बोलते हैं। ये मुनगा का फूल है, इसको अगर आप जैसे इसको उबाल करके, काफ़ी उबाल करके उसका काढ़ा पियेंगे ना, तो पीलिया जैसा बीमारी वो तुरंत एकदम बढ़िया कर देगा। और 2-4 दिन पियेंगे, 2-4 दिन के अंदर में पीलिया बीमारी सप्ताह भर के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। ये ग्रामीण है और ये गाँव से लाए हैं, और इधर अंदर में भी झोला में भरा हुआ पूरा, ये पूरा पूरा भरा हुआ है, ये बहुत डिमांड है। कितना करें भाई? एक तो मुठा ये 20 रुपया मुठा है। और इसका ना इसको इसको खाने से आपका जैसे खून है ना, वो खून भी साफ होता है। शुगर कर का लागे, शुगर कर भी, शुगर कर मैं बता तो चल अभी ना। ये इसमें इसको ना जैसे जिसको बीपी भी है, तो बीपी इसका पत्ता जो होता है, ये वाला पत्ता, ये इसको रोज आप पिएगा ना, तो आपका बीपी को का बीमारी को बहुत हद तक ठीक करता है, बहुत हद तक। वो कोई भी डॉक्टर को जाएंगे, वैद्य से जाएंगे तो बता देगा वो। ये देखिए तभी आपको दिखाए थे, कुछ सेकंड हुए मात्र, 5 मेरे को लगता है 7 मिनट में उधर घूमने गया दूसरा वीडियो बनाने, और ये पूरा बेच दिले, सब बेचाई गलत। ये देखिए ये बीमार जो लोग रहते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है, और इस कारण से उनको उनका खरीदारी बहुत जल्दी करता है। और देखिए बेच करके हमारे ग्रामीण जन जा रहे हैं। कितना कर बेच ले टोटल? 500? हाँ 100 तो 5-7 मुठा, और बाकी नहीं जानेंगे वो, लेकिन काफ़ी था वो पूरा बेच दिया और जा रहे हैं। खुश हैं, खुश है किसने? आओ देखिए ये डिमांड है। अच्छा काय की बालम खीरा, ये यहाँ बिकता है देखिए दवा। ये देखिए ये का काम है बता ली? बालम कीरा है, पेट कर बीमारी में काम करी, और तेल है दर्द ले काम कर। हाँ ये दर्द लेने। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए गजब का पपीता, वाह क्या गजब, कहते कर है कि अच्छा ठीक है हमारे आयो करी है एकदम साफ करता है, जानते हैं पपाया, ये पेट को साफ करता है, ठंडक रखता है। और ये देखिए मैं बता रहा हूँ
ठीक है, का कहन बताओ हमारे देहात में? रक्षा कुम्हड़ा कहते हैं, कुम्हड़ा इसके आए बनाते हैं दाल को पीस। हाँ, दाल को पीस करके बनाते हैं। ये देखिए इस टाइप का जो है ना, ये बनाते हैं, इसी टाइप का अलग है, ये सब बनाते हैं। और इसका मैं इलाज बता रहा हूँ, ये रक्षा कुम्हड़ा है और वो यूपी में इसका मुरब्बा बनता है बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ जिनको शुगर हो गया है, शुगर का बीमारी से ग्रसित है, परेशान है, इसको आप ले जाइए, रोज एक टुकड़ा जो है इसको काटिए और इसको मिक्सी में पीसिए और एक गिलास खाली पेट में रोज आप पीजिए। 15 दिन के अंदर में आपका जो है ना शुगर को एकदम डाउन कर देगा और बहुत अच्छा लेवल में लाएगा। उसके बाद बीच बीच में डॉक्टर की सलाह से या वैद्य की सलाह से आप इसको पिए, बहुत फ़ायदा आता है। और इसी कारण से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जसपुर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा वैद्य से संबंधित, इलाज से संबंधित, का आपको न मिले। और अभी ये पूरा बाज़ार आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ भड़ाका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी तरफ पूरा भीड़ भाड़ है। और अभी तो लगना चालू हुआ है, 2:30-3 बजे कर बाद में और ज़्यादा रश हो जाएगा, जगह नहीं मिलता है। तो कहने का इसलिए मैं लाने का प्रयास किया। और हमारे जसपुर में देखिए क्या क्या चीज़ मिलता है, पीठा रोटी तो कहाँ लाई नहीं हमारे, आयो करिए पीठा रोटी, तो पीठा रोटी इनके पास हम हमेशा ले जाते, तो मेरा फेवरेट था लेकिन अभी है नहीं। और बाकी तो ये सामग्री देखिए हम आए हैं, पहले तो सब हमारे ग्रामीण महिलाएं भी है, पुरुष भी है। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो है ना, ये इसको धूपी बोले बाबा ने, धूपी है ये धूपी है, ये जड़ी बूटी है, ये रानू है, ये रानू है गांव का बना, ये भी जड़ी बूटी से ही बनता है ना, जड़ी बूटी, हाँ ये जड़ी बूटी से ही बनता है और ये सब। लेकिन क्या है, जैसे अगर शराब बनाना हो तो शराब बनाने में इसको यूज करते हैं और रानू को भी यूज करते हैं, मात्रा दोनों को, तो वो शराब तो नुकसानदेह रहता है। लेकिन अगर आपको हड़िया बनाना हो तो हड़िया के कष्ट बनानी कर से इसके बनाते हैं। तो हड़िया अगर बनाएंगे आप और हड़िया में जैसे पीते हैं, तो एक गिलास बाबा बता रहे हैं कि एक गिलास पीने से वो जो सर का दर्द वगैरह होता है ना, सर में दर्द वगैरह था शरीर में, उसको ठीक करता है और पीड़ा दर्द बुखार भी उतार देता है। बुखार उतरा जाता है, अच्छा बुखार भी उतरे, बुखार भी उतरता है। तो हड़िया एक प्रकार से एक ग्रामीण क्षेत्र में इलाज इसे करते हैं। गाँव वाला मन पिए ना, अगर बुखार उखार आवेल तो बनाई करके है पिए ना। अच्छा चलिए, दारू नहीं पीना है तो नुकसान है, मैं भी नहीं पीता हूँ, आए डबका के, अच्छा डबका करके भी पीते हैं, हमारी माँ बोल रही हैं तो, अच्छा तो कर में का हो, अच्छा ठीक हो जाए इकर में बुखार। अच्छा इसको ही बता रहे हैं कि अगर ये वाला को भी उबाल के पीने से बुखार ठीक हो जाता है। ये देखिए बहुत बढ़िया जगह मैं आया हूँ, देखिए ये आपका यहाँ है, ये चरई गोड़ा है, चरई गोड़ा 20 रुपया का इतने, ये जो है ना, ये का काम आवे, हाँ खून बनता है, इसको पीने से उबाल करके पिए ना, उबाल के पीने से खून बनता है, जिसको खून का कमी है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ले सरला गुड़ा है, ये भी खून को बनाने का काम, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ये जो है ना सूखा हुआ जो अभी मैं बताया, मुनगा जो साग में दिखाया, ये मुनगा का पत्ता है, ये कैसे दोना, 10 रुपये दोना, ये का काम करे, ये बीपी का भी काम करता है, पीलिया करना, बीपी का काम करता है, बीपी को ठीक करने काम करता है, खून साफ करता है, ब्लॉकेज जो होता है ना उसको हटाने का काम करता है, ये वही है। और ये सब कहाँ है, क्यों ही बस ऐसी खान इसको खाते हैं, और ये सब चीज़ तो बहुत ही फायदेमंद है। कहाँ है, क्यों सरला सरला बूढ़ा है, इकर से कहा है, अच्छा एक सब भूख, जिसको भूख नहीं लगता है, ये सरला गुड़ा भूख नहीं लगता है तो ये खाते हैं, हाँ वो है वाला है। और ये एक मैं जो बोलता हूँ, ये पुटमी कहते हैं, ये देखिए ये पुटमी है, पुटमा भी बोलते हैं इसको, मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसको खाने से ना कुछ नहीं देना पड़ेगा, हल्का सा तेल और उसको पानी, उसको उबाल, हल्का सा तेल देख करके उसको बस जैसे आलू भुजिया बनाते हैं ना, हल्का सा पकाइए आलू भुजिया टाइप का और खाइए, खून का पूरा शरीर में जितना गंदगी है ना पूरा खून को निकाल देगा, खून को साफ करता है, छोटा भी रहता है, हाँ इसे छोटा भी रहता है, छोटा भी रहता है, ये बड़ा है, ठीक बोल रही है माँ, छोटा भी आता है ये साइज, ठीक है। काटने में बहुत दिक्कत होने आयो, काटे में मुर्ख परेशानी होने, मैं तो कुछ दोनों कभी कभी लोढ़ा मन से, ये चीज़ें देखिए बहुत अच्छा है, ये मैं दिखा रहा था, ये तो मुर्ख महंगा है कि तो बाप रे, कट नहीं
और ये देखिए करंज का दतुन है, करंज का दतुन। ये दातुन से पहले हमारे घर वाले लोग, हमारे बुजुर्ग लोग करते थे ना, तो इस दातुन से आप बरस करते हैं तो बरस के जगह तो आज बीमारी आ गया। ये इसको करंज का दातुन सुबह सुबह मुखारी कीजिए, इससे क्या है ना तमाम जो दांत का बीमारी होता है, पायरिया होता है, मुंह से महक आता है, उसे बदबू आता है, वो खत्म हो जाता है, दांत मजबूत होता है और मसूड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये बहुत फायदा करता है और दांत भी बहुत ज़्यादा साफ रहता है। तो कहने का मतलब हमारे जसपुर में ऐसा कोई सारा चीज़ ये नहीं है जो कि नहीं मिलता है, जड़ी बूटी से लेकर। इसीलिए जसपुर में बहुत सारे लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं वो जसपुर बाजार आते हैं, बहुत सारा सामान ये सब खरीद करके ले जाते हैं, और यही कारण कि जसपुर के लोग बहुत अच्छे बीमारी से जगबल उनको बहुत ज़्यादा निजात मिलती है। ये हमारे पत्रकार भी आए हैं, विकास पांडे जी, और हमारे बड़े भैया हैं महेश ठाकुर जी। ये बता रहे थे ये जो है ना एकर का कमाल, इसको विकास जी बता रहे थे। बताइए विकास जी, ये क्या काम आता है? बैंक बाजी है, बैंक बाजी है। हाँ, जल्दी स्पीड में बताइएगा ताकि। कई कंपनियां इसका कैप्सूल बनाती हैं अंदाज के लिए, और जो शरीर में गर्मी हो जाती है उसको दूर करने का काम। हाँ, अच्छा, पेट महा गर्म हो तो क्या ठंडा कर लें ये बोले। और महेश भैया का ये कहना है कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा क्या बोले, हाँ, हाथ पैर अगर हिलता है, कांपता है, कई शराबी लोग जो है ना कांपते हैं, तो इसमें मिश्री वगैरह डाल करके इसको पीस करके अगर उसको रोज पीते हैं खाली पेट, तो वो थरथराना और कांपना बंद हो जाता है। और ये जो है ना, ये भाजी का भाजी बोले, चिमटी भाजी, ये भाजी जो है ना, ये आपका नींद पूरा जिसका नहीं होता है उसका नींद पूरा करने के लिए है। जो शिकार है वो नियमित सेवन करेंगे। हाँ, अनिद्रा के जो शिकार है, नींद की शिकायत ये है। और ये का साग है की वाला? जिरूल फूल है। जिरूल, अच्छा है, तो बहुत स्वाद ने, इसका भी फायदा होता होगा। और ये कांदा है, जिमी कांदा, का कांदा बोले उसको, पिठारू, पिठारू, ये भी पेट के लिए और खून के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये का है की मट्टी का काम आवे, बाल धोए, हाँ बाल धोते हैं, बहुत शॉर्ट आजकल शैम्पू आ गया है, पहले इसी को लगाते थे और शैम्पू जैसा काम करता है। बाकी तो इसको बता चुके हैं मुनगा का फायदा। और ये है, ये काश भाजी है, मुड़ी भाजी, आए मुड़ी भाजी, ये भी पेट को साफ करता है। तो यहाँ लोग बात जो बीमार लोग हैं, बीमार आदमी मन आवे नहीं सबके लेख ले भैया, हमेशा ये तो बचता भी नहीं, तो बेच जाल के वापस सबके बेच के जाल की लेके जाल वापस बिक जाल नहीं की। यही हमारे भोली भाली जो है ना, ये थोड़ा सा नहीं बता पाते हैं ये सब चीज़, वही है ये चीज़ पूरा देख रहे हैं आप। ये हमारे ग्रामीण लोग हैं, प्योर मिलेगा, कोई बनावटी नहीं। ये देखिए फर्स्ट क्लास हमारा गोभी, इसको भी खाइए। का वो यूरिया वाला है कि खाद वाला है? खाद वाला, गोबर खाद वाला बोल रहे हैं इसको। देखिए बहुत सारा चीज़ है। और हमारे विकास पांडे जी भी लेके जा रहे हैं, मोरू दे दो बात, ये दे वाला के दे।